हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलवेज डार्कनेस तो कैसे सब लोग आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट करेक्ट सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में ऑब्वियसली अगले बहत्तर घंटे किस तरह से होंगे सो ऑफकोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जो टेक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रोडिक्शन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी आपके आस पास के माहौल भी कैसे हो सकता है सो लेट्स लेट्स फाइंड आउट यूनिवर्स वेट गाइड्स प्लीज गाइड करें so, आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या दिखाई दे रहा है आपके वर्तमान हालात किस प्रकार है सो लेट्स यूनिवर्स वेट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है सो हाउ इज योर प्रेजेंट सिचुएशन

Uh, मीन राशि यहाँ पे है तुला है यहाँ पे एनी anyway, वे बाकी साइंस के बारे में हम बाद में भी देखेंगे एनी वे साइंस डज नॉट मैटर यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि करेंटली यू आर लाइक यू नो बिजी इन फाइंडिंग आउट समथिंग कुछ तो ऐसा है जो आप ढूंढ रहे हो आप सच्चाई की जड़ तक जाना चाहते हैं आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग पे चल रहा है रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस एंड योर लव मैटर्स अल्जो आप फाइनेसिस के बारे में भी श्योर होना चाहते हैं आपको एक सॉलिड फ्यूचर चाहिए जहाँ पे कोई uh, मतलब भ्रष्ट बिल्कुल इंसान ना हो और जो भी रिश्ते में आए आपके साथ ईमानदारी से पेश आए क्योंकि आप इमोशनल है और आप इसी तरह से एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं आप ईमानदारी से भी हायर लेवल तक जाना चाहते हैं कोई शॉर्टकट तरीका आपको मिलता भी नहीं है और आप करना भी नहीं चाहते हो समटाइम्स यू फील दैट हाँ शॉर्टकट तरीके से हो सकता था ये काम और कभी कभी आपको लगता है कि नहीं मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा है इसलिए मैं शायद फोकस नहीं कर पाती हूँ या फोकस नहीं कर पाता हूँ मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ इस तरह से हो सकता है कि यू फील दैट यू आर क्वाइट कैरियड अवे बाई द इमोशंस ऑफ अदर्स कोई आपके सामने आके कुछ कहते हैं तो आप बहुत ज्यादा बहकाव में आ जाते हो और वो इंसान आपको कन्विंस कर लेते हैं फिर आप उन्हीं के जैसे सोचते हो इट हैपन्स लाइक दिस पीपल कैन ईजिली कन्विंस यू इवन लोग आपके सामने आके सीक्रेट्स भी बोलते हैं इन द करेंट सिचुएशन कुछ लोग ऐसा हो सकता है दैट यू आर लाइक यू नो फीलिंग द नीड टू हैव अ फैमिली बेबी इस तरह सबको लग रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं मेरे मुझे कुछ कर दिखाना पड़ेगा आई नीड टू बिल्ड अप समथिंग मेरा भी एक ऐसा एक हो ऑफिस जहाँ पे मैं सबको काम दे पाऊँ वो लोग यहाँ पे मेरे संस्था पे आए आई वॉन्ट टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से आपका मैंटेलिटी है एंड यू आर कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन दिस इवन आप बहुत चैनलाइज भी कर रहे हो आप पूरी तरह से उस रास्ते पे ही आप जाना चाहते हैं जहाँ पे वो आपका डेस्टिनेशन कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्लियर है आपको पता है आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है बट इंस्पाइट ऑफ दैट कुछ लोग अनश्योर है ठीक है कुछ लोग अनश्योर है सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ को लेके। करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में अगले बहत्तर घंटे किस तरह से होंगे न्यूर्स प्लीज गाइड करें अगले बहत्तर घंटे किस प्रकार होंगे योर नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स टेन ऑफ स्ट्रेंथ देखो मैंने जैसा कहा वैसे ही आपका ऐसा इच्छा है कि आप आप वही चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो टेन ऑफ is like लाइक यू नो that यू विल ऑल्सो वर्क हार्ड टू रीच योर गोल Along with that, आप ये भी चाहते हैं कि आपकी अगर आप टीम के लीडर है या एग्जीक्यूटिव है या आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं या अगर आप एक टीचर हैं प्रोफेसर हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप भी काम कर रहे हो बहुत ईमानदारी से बहुत हार्डवर्क आप कर रहे हो अगले बहत्तर घंटे में ऐसा हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेना पड़े इवन आपके जो टीम मेम्बर्स हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा उनको भी आपको सिखाना पड़ेगा उनके भी प्रेशर आपको डील करना पड़ेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर योर टीम मेम्बर्स सो हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने छोटे से कंधे पे ले लो उस तरह से भी दिखाई दे रहा है बट यू विल बी बोल्डली डीलिंग विद इट ऐसा नहीं कि आप झुक जाएंगे नहीं आप आराम से उसको हैंडल भी कर लेंगे यहां पे है टू ऑफ विस्टम ओके यहाँ पे है सेवन ऑफ इंटेलिजेंस द हार ऑफ एंड एनर्जी ओके द हार ऑफ एंड और वहां था हाई प्रिस्टस, ओके टेन ऑफ इंटेलिजेंस द लवर्स कार्ड, कुछ ऐसा है जो आपके रिश्ते में आपको पता करना था कि जानकारी आपको हासिल करना था कि वो इंसान आपके साथ बैकस्टेप क्यों किया आगे जाके भी बैक स्टेप कर सकते हैं कि नहीं कुछ ऐसा चैप्टर जो और आपके लिए और नेसेसरी नहीं होगा और आपको नहीं चाहिए होगा वो आपकी ज़िंदगी से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा इन द नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स यू विल टेक अ फॉर्म डिसीशन आप दुविधा में थे ठीक है कुछ ऐसा आपके लाइफ में था कि आप, आपके पास रेड सिग्नल्स या रेड फ्लैग्स थे लेकिन फिर भी आप अनदेखा कर रहे थे अनसुना कर रहे थे समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे बिकॉज यू नो वट यू फेल्ट नो वट वट एवर यू आर थिंकिंग इट इज राइट बट आपकी सोच विचार में बदलाव आएंगे विद इन द नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स यू यू कि अगर कोई सामने आना चाहता है ठीक है चाहे वो आपके बिज़नेस रिलेशनशिप में हो उनमें भी आपको काफ़ी दिन से कॉल कर रहे हैं या आप उनको कॉल कर रहे हो वो कोई बहाना कर रहे हैं कि नहीं ठीक है हम पैसा लगाएंगे कभी कभी ऐसा कहते हैं हाँ हाँ हम बोल देंगे लेकिन उसके तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखाई देता है कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपको कह रहे हैं कि नहीं अभी हम तो नहीं सोच रहे हैं बट जल्द से जल्द मैं तुमको बता दूंगी या बता दूंगा कि कमिटमेंट क्या मुझे देना है ऑब्वियसली हमें फ्यूचर एक ही साथ हम देखते हैं लेकिन एक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा था सो so, उसका जो राज है, राजा देखो आप क्लैरिटी चाहते थे ना यू वॉन्टेड जजमेंट यू विल टेक बिकॉज आपको पता चल जाएगा ये जो नकाब वाला इंसान है ये इसका जो असलियत है ये कौन है इसका चेहरा जो है क्लियर हो जाएगा कि क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं कमिटमेंट से भाग रहे हैं क्यों भाग रहे हैं व्हाट इज़ द रीजन क्यों उन्होंने आपको प्रॉमिस किया क्यों उन्होंने डिलीवर प्रॉमिस डिलीवर नहीं किया ठीक है यू विल गेट टू नो इट जो बहुत टाइम से आपको आंसर्स नहीं भी मिल रहे थे मे भी ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्ट रिलेटेड ठीक है कुछ थ्योरीज आपको समझ में नहीं आ रहा था या आप रिसर्च कर रहे थे रिसर्च में कुछ एरर्स दिखाई दे रहा था क्यों वो हो रहा था मेन जो एक्चुअल जो जड़ है उसको समझना पड़ता है कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है वो समझ जाओगे ऐसा मैंने कहा है कि इफ़ यू आर अ टीचर प्रोफेसर ऑल्सो आई कैन सी दैट विद इन द नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स आप उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग एंड गाइडेंस तो दोगे ही खुद भी हो सकता है कि अगर आप खुद ही एक स्टूडेंट हैं So, आपको बहुत सारे सिंसियर कोऑपरेशन इवन आपको ज्ञान मिल सकता है आपके सीनियर से या आपके गुरु से या आपके प्रोफेसर से या टीचर से या आप जिनको भी अपना आइडियल मानते हैं और फिर एक शांति की हवा आपके बदन पे लहराएगा कहीं ना कहीं पे वो जो है जैसा बोला जाता है द इटरनल पीस एंड ब्लिस यू आर गोइंग टू गेट ओके एंड मे बी यू कैन सी दैट यू कैन फॉल इन लव विथ समन हो सकता है कि अब uh, किसी के प्यार में आ जाए ठीक है और uh, दोनों डिसाइड करें कहाँ पर मिलना है या कुछ ऐसा ठीक है मे बी लाइक यू नो यू आर गोइंग टू अ पार्टी ओके इट इज़ लाइक दैट एंड डेफिनेटली यू मीट समन एंड फिर बहुत इम्प्रेशन दोनों में है अगर आप ऑलरेडी लवर्स है तो हो सकता है कि आप लोग डिसाइड करें कि वेन विल यू मीट नेक्स्ट हाउ विल बी द मीटिंग कहाँ पर मिलेंगे किस तरह से मिलेंगे ये सारे चीज़ भी डिसाइड आप कर सकते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डे इज रीडिंग गाइज आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी लव य लॉड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय